हेलो, वेलकम टू कैरियर स्ट्रेटजिस्ट। आज हम आपके लिए कुछ और ही बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आए हैं, और ये नेचुरल नंबर के एप्लीकेशन पर आधारित है। साथ ही हम कुछ बात करेंगे प्राइम नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं कि नेचुरल नंबर के बारे में जो पिछले वीडियो में हमने सीखा था, उस वीडियो में हमने नेचुरल नंबर के सम के बारे में बताया था और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में बताया था, यानी प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग और प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। आज हम उस पर बात करने वाले हैं कि उसकी क्या उपयोगिता है, उसका क्या यूज है। आपने शतरंज देखे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया था कि एक शतरंज पर कुल कितने वर्ग होते हैं, और ऐसे सवाल दो तीन बार सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। उन प्रश्नों का जवाब कैसे निकालते हैं और क्या तरीका है, ये जानने के लिए आज हम आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताएंगे, जिसके आधार पे आप इस प्रकार के किसी भी सवाल का जवाब विद इन 5 सेकेंड दे सकते हैं। तो आज उस फॉर्मूला को जानते हैं कि क्या है और हम कैसे किसी भी ऐसे जैसे शतरंज है या इस तरह के कोई और वर्ग बना हो या खाने बने हों, तो उसमें वर्गों की संख्या और आयतों की संख्या का गणना कैसे कर सकते हैं, कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हमें आज सीखना है। सो आइए सीखते हैं उससे कि अगर कोई जाल हो, इस तरह का कोई जाल है, जैसे मान लीजिए कि शतरंज की बात करें तो शतरंज पे एक जाल होता है, और वह जाल होता है किस तरह का, तो 8×8 का जाल होता है, एक इस तरह का जाल होता है। ये क्वेश्चन मुश्किल क्यों है, जरा वो भी हम बताएंगे आपको कि आखिर ये क्वेश्चन मुश्किल क्यों है और लोग इसको इतना मुश्किल क्यों मानते हैं कि ये मुश्किल क्वेश्चन है, और यूजुअली लोग जो समझते हैं वो आंसर क्यों नहीं होता। तो अगर हम बात करें शतरंज की, तो हम बात करें अगर शतरंज की, तो ये शतरंज है आप देख रहे हैं, और इसमें कोई भी कह सकता है कि इसमें वर्गों की संख्या 64 होगी, ठीक है ना। लेकिन 64 कैसे होगी, ये देखते हैं कि 64 तो ये छोटे वर्ग है, आपकी जो जानकारी है उसके हिसाब से ये छोटे वाले वर्ग जो हैं वो 64 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे है, ऐसे ही नीचे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8×8 इसमें आधे जो है वो ब्लैक है और आधे जो है वो व्हाइट है। तो ये एक ग्रिड हुआ, ग्रिड में 8 ऐसे बॉक्स हैं और 8 ऐसे बॉक्स हैं, 8×8 का ग्रिड हो गया, ये है ना, जाल हो गया। तो इसमें अब आप सोचते होंगे कि कई लोग ये सोचते हैं और ये कह देते हैं कि 64 और ये पूरा भी तो एक स्क्वायर है तो 65 हो गया, लेकिन आप भूल जाते हैं कि ये चार मिलकर के भी एक वर्ग होंगे, है ना, ये चार मिलकर के भी एक वर्ग होंगे, ये 9 मिलकर के भी एक वर्ग होंगे, जैसे ये फोर मिलकर के भी एक स्क्वायर होंगे, ये फोर मिलकर के भी एक स्क्वायर होंगे, ये फोर मिलकर के भी एक स्क्वायर होंगे, है ना। तो इस तरह से फोर ही क्यों, हम ये कहें कि ये 9 मिलकर के एक स्क्वायर होंगे, यहां से यहां तक ये 9 मिलकर के एक स्क्वायर होंगे, इसी तरह से ये 9 मिलकर के एक स्क्वायर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही वैसे काउंट हम नहीं कर सकते, वैसे काउंट करना ये बहुत मुश्किल काम है और हम इसको काउंट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि हमने एक बार लिया है 1×1 का स्क्वायर, फिर 2×2 का स्क्वायर, फिर 3×3 का स्क्वायर, तो ऐसे कुल वर्गों की संख्या कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है जिसको आप दिमाग में रख सकते हैं, ये लिखें n×n के जाल में, जाल मतलब ग्रिड है ना, जाल यानी ग्रिड, ग्रिड में कुल वर्गों की संख्या, कुल वर्गों की संख्या क्या होती है, तो कुल वर्गों की संख्या होती है ये 1² + 2² + 3² ये है, से लेकर के कहां तक कितने हैं, 8² तक।
और इस तरह के फॉर्मूला को कैलकुलेट करने के लिए कुल वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। ये फॉर्मूला आपने कल सीखा पिछली क्लास में। तो यहां पर भी उसी तरह से एन के जगह पर क्या होगा, एट होगा। अगर यहाँ एन होता है तो हम इसको लिखते हैं इस फॉर्मूले को एन इंटू एन प्लस वन, यही फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। एन इंटू एन प्लस वन बार बार लिख रहा हूं सो दैट कि आपको रिवाइज हो जाए। तो इसी प्रकार से अब यहां पर कोई पूछे कि शतरंज पर के बिसात पर, शतरंज के बिसात पर, शतरंज के बिसात पर, बिसात पर कुल वर्गों की संख्या क्या होगी, पर कुल वर्गों की संख्या क्या होगी। तो वर्गों की संख्या क्या होगी, तो ये होगी संख्या एन की जगह पर हम क्या रख देंगे, एट, क्योंकि शतरंज में ग्रिड कितने कितने का है, एट इंटू एट का, एन के जगह पर एट है। तो एन के जगह पर एट रख दोगे तो एट, एट प्लस वन नाइन, एट टू जा सिक्सटीन, वन सेवनटीन डिवाइडेड बाई सिक्स, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, टू फोर जा एट एंड फोर थ्री जा ट्वेल्व। 12 को 17 से मल्टीप्लाई करना है, आसान तरीका क्या है, 17 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 170 और 17 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 34, तो 170 प्लस 34 इज 204। तो ये कुल वर्गों की संख्या 204 होती है। ये सवाल था, ये इसका जवाब हो गया। इसी तरह से जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जाएं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था सिविल सर्विसेज में इस तरह से कि एक यदि क्वेश्चन लिखता हूं, यदि छह ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल रेखाओं को क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, रेखाएं काटे तो इस प्रकार बनने वाले वर्गों की संख्या क्या होगी, वर्गों की संख्या क्या होगी, क्या होगी यदि दो क्रमागत उदग्र यानी उदग्र दो क्रमागत उदग्र रेखाओं के बीच की दूरी उदग्र रेखाओं के बीच की दूरी दो क्रमागत क्षैतिज रेखाओं के बीच की दूरी के बराबर हो, क्षैतिज रेखाओं के बीच की दूरी बराबर हो, के बीच की दूरी बराबर, दूरी बराबर, है ना। ये सवाल हो गया। अब आप इसमें क्या होता है, आप क्या आंसर बताएंगे, बताइए कितने आंसर होने चाहिए, बराबर हो, ये सवाल है, ठीक है ना। तो इस सवाल का जवाब आप कैसे दे पाएंगे, तो सवाल को समझिए कि छह वर्टिकल लाइंस अगर हम क्रॉस करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे, और ये छह लाइंस जब हम क्रॉस करेंगे इस तरह के, तो बॉक्स बनेंगे, ग्रिड जो बनेगा वो 5x5 का बनेगा, थ्री, ठीक है, वन टू थ्री, ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर, और ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो ये जो बनेंगे लाइंस थोड़ी आड़ी तिरछी दिख रही हैं, लेकिन अब यहां ग्रिड बनेगा 5x5, छह लाइन 1 2 3 4 5, पांच ही ग्रिड बनाएंगे, पांच ही बॉक्स बनाएंगे। इसलिए जो लोग ये बात जानते थे कि छह लाइन से पांच ग्रिड बनेंगी, और फॉर्मूला क्या है हमारा, कुल वर्गों की संख्या बराबर क्या होगा जी, तो ये हमने सीखा फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन, है ना। तो 5 इंटू 5 प्लस 1 दैट इज 6, 2n प्लस 1 दैट इज 11,
डिवाइडेड बाय 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया और आंसर हो गया 55। तो जो लोग जानते होंगे आप बताएं इतना कैलकुलेशन करने में कितने सेकंड का समय लगेगा। बहुत कम वक्त लगेगा और कोई भी आदमी आंसर दे सकता है ऐसे। आप चाहें तो आपकी तसल्ली के लिए कि ये फॉर्मूला सही है, सही के सिवाय कुछ और नहीं है, इस बात की सत्यता की जांच करने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपका शंका दूर हो जाएगा। ये देखिए, ये अगर हम ले लें 3 लाइनें, ठीक है, कितनी बॉक्स कितने कितने का बन गया जी, 3x3 का, ठीक है। ये बॉक्स बन गया हमारा 3x3 का, 1, 2, 3, 3x3 का बॉक्स बन गया। इसमें कितने वर्ग हैं तो जरा देखिए, इस फॉर्मूले के हिसाब से 3x3 के जाल में कितने वर्ग बनेंगे, यानी ग्रिड में, ग्रिड में वर्गों की संख्या फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, फॉर्मूला के हिसाब से होगा वर्गों की संख्या। अब बताइए फॉर्मूला क्या है हमारा, n यानी 3, n प्लस 1 दैट इज 4, एंड 2n प्लस 1, 3 × 2 = 6, 1, 7 डिवाइडेड बाई 6, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4 एंड 7 × 2 = 14। कुल 14 वर्ग बनेंगे। अब देखिए गिनके कि क्या 14 बन रहे हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 छोटे तो ऐसे ही दिख रहे हैं। उसके बाद ये देखिए, ये 4 मिलके 10 हो गए, आखिरी के 4 मिलके 11, नीचे वाले ये 4 मिलके 12, और आखिरी कोने वाले 4 मिलके 13, और पूरा एक मिला के क्या हो गया 14, है ना। तो 14 हो गए टोटल, कुल वर्गों की संख्या कितनी हो गई 14। तो इस तरह से वर्गों की कुल संख्या जो है वो हो गई 14। आपका फॉर्मूला बिल्कुल सही है और आप इस फॉर्मूले पे भरोसा कर सकते हैं।